हेलो सर साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में अध्याय 5 का यह दूसरा लेक्चर है, किससे संबंधित, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित। तत्वों के वर्गीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक, डोबे राइनर का त्रिक नियम पढ़ लिए हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ लिए हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ लिए हैं। ठीक, आज क्या देखेंगे, आज आधुनिक आवर्त नियम देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन होगी और प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का उत्तर। और जस्ट इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपसे एक अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, क्या चीज, आधुनिक आवर्त नियम। याद करिए, अगर पिछला क्लास आप लिए हैं तो याद करिए, हम बताए थे कि जो आधुनिक, ध्यान दीजिए, जो आधुनिक आवर्त नियम है ये किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे, परमाणु क्रमांक पे, ध्यान अगर होगा तब। और जबकि बाकी सारी चीजें जो थी, डोबे राइनर थे, न्यूलैंड थे, मेंडलीव थे, उन पे क्या आधार था, परमाणु भार। यहाँ पे क्या आधार है, परमाणु क्रमांक। इसीलिए यह आवर्त सारणी बेहतरीन मानी गई। क्यों, क्योंकि तत्वों को हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए हैं, किसमें, आवर्त सारणी में, आधुनिक जो भी आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त का नियम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि अगर हम बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में तत्वों को व्यवस्थित करें, ठीक, बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करें, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो कोई तत्व रहेगा वो अपने समान गुणधर्म के तत्वों के साथ पुनरावृत्ति करेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप लोग देखे होंगे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, ऐसे ऐसे खड़े खड़े 18 होंगे। ठीक, तो पहले वर्ग के जितने भी तत्व होंगे सब समान गुणधर्म में होंगे, दूसरे वर्ग के जो होंगे सब समान गुणधर्म में होंगे। तो वो अब कब आए, ऐसे देखिए, मान लीजिए ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, कितने ऐसे ऐसे हैं वर्टिकल 18 हैं, ध्यान दीजिए, और ऐसे कितने हैं 7 हैं, ऐसे कितने हैं 7। ठीक, ये पहला हो गया, मान लीजिए दूसरा या तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ऐसे होंगे 7। ठीक, और अब देखिए बात क्या होती है, बात ये होती है कि जो ऐसे ऐसे 7 हैं इनको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते। कितने आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में, 7। और जो ऐसे ऐसे हैं एक से लेके कहां तक होंगे, 18 तक, एक से लेके कितने, 18 तक। और यही क्या है, हमारे वर्ग हैं, यही क्या है, वर्ग हैं। तो पहली बात ये करते हैं कि आधुनिक आवर्त का नियम क्या है, इसको देख लेते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे मेंडलीव की क्या था, मेंडलीव की कहानी ये थी कि यदि हम तत्वों को क्या करें, बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित करें, तो कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद जो पहला तत्व होगा वो किसी दूसरे तत्व के साथ समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा एक निश्चित समय अंतराल के बाद। ठीक है, यानी कि तत्वों का परमाणु भार उनके आवर्ती फलन होते हैं, है ना, ये था परमाणु भार जो थे आवर्ती फलन थे। अभी किस, क्या चीज होगा, परमाणु क्रमांक जो होंगे वो आवर्ती फलन होंगे, यानी तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होगा वो आवर्ती फलन होगा। ये है आधुनिक आवर्त का नियम। ठीक, तो यहाँ पे कितने कुल आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो कितने आवर्त है, टोटल 7। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कुल कितनी है, तो कुल कितनी है, कुल आवर्त कितने हैं, 7 हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे 18 लाइनें होंगी, यानी 18 खाने होंगे, और इन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वर्ग कहते हैं। अब खास बात क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषता है, विशेषता क्या है, विशेषता पहला बात यही है ना कि इसमें जो तत्व रखे गए हैं वो बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। जस्ट एक, फिर तो परमाणु क्रमांक वाला 2, लेकिन इस हिसाब से भी रखे गए हैं कि वो समान जाति के हों। समान जाति के मतलब, अब जैसे देखिए आप अगर 18वें ग्रुप के तत्वों को देखेंगे तो यहाँ पे आपको हीलियम मिल जाएगा, नियान मिल जाएगा, आर्गन मिल जाएगा, क्रिप्टॉन मिल जाएगा, जेनान मिल जाएगा और रेडान मिल जाएगा। देखिए अब इनकी क्या खास बात है कि इनके बाहरी सेल पूरी तरीके से भरे होते हैं, बाहरी कक्षा इनकी पूरी तरीके से
भरी होती है, जिसके कारण ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी किसी से कोई क्रिया नहीं करते हैं। यही रीजन है कि इस वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस, यानी कि अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस? नोबल गैस, है ना। खास बात क्या है कि कोई क्रिया ये किसी के साथ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनका बाहरी कक्षा क्या है, भरा है। तो देखिए, इस टाइप के गैस को हम एक ही ग्रुप में देखिए रख दिए, और कौन से वाले, 18 नंबर। अब बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में है, जस्ट इसके पीछे देखिए क्या होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ठीक है, ऐसे पीछे होंगे। जबकि ये वाले वर्ग की क्या है, इन्हें हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परिवार के तत्व। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ज्यादा दिमाग इस चैप्टर में नहीं दौड़ाना है, बस जितना कह रहे हैं उतना करिए, क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में, बढ़िया से आप लिख लेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा हाइड्रोजन परिवार के तत्व कौन से वाले हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। खास बात क्या है इनकी, कि ये सब -1 बनाते हैं, और ये सबसे ज्यादा ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं, और इनमें भी सबसे, जैसे हम कह रहे हैं कि 17वें ग्रुप में ये सबसे ज्यादा ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं, तो इनमें भी तो कोई होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन है वो? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है पूरे आवर्त सारणी में, ठीक है। अब बात फंसी कि आधुनिक आवर्त का नियम दिया किसने, तो ये लिख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है? मोजले, है ना, मोजले जी, ठीक है। मोजले को माना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता। तो इस तरह देखिए, जो ये सब माइनस बनाएंगे, ये सब क्या हो गए? अधातु हो गए। तो इनको देखिए अलग रखा गया है, और जबकि क्या है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में हम ये टेबल क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित करेंगे। क्यों? क्योंकि आधुनिक आवर्त का नियम यही तो कहता है कि बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में हमें तत्व को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह तत्व अपनी पुनरावृत्ति करेगा, मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ गुणधर्म में क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए, अब हम अगर कहें कि पहले आप आ जाइए वर्ग में, इस वाले में, तो हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा और फ्रांसियम होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये देखिए कौन से वाले तत्वों के, मतलब ग्रुप के हो गए हैं, पहले वाले ग्रुप के, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ना, ये कौन से वाले के हैं, पहले वाले के। अब समझिएगा, ध्यान दीजिए कि अगर हम कह रहे हैं ये हो गए पहले वाले ग्रुप के, तो ये सब क्या है, धातु है। क्यों? क्योंकि ये भी +1 बनाता है, ये भी +1, ये भी +1, ये भी, ये सब कितने प्लस बनाएंगे, 1+। लेकिन देखिए, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को पहले वाले में भी रखते हैं और 17वें में भी रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन 1+ भी बनाता है और 1- भी बनाता है। डिपेंड कब करेगा? उसके पड़ोसी पर डिपेंड करेगा। अगर उसका पड़ोसी ज्यादा ताकतवर होगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, प्लस बनाएगा। और अक्सर केस यही होता है कि हाइड्रोजन से सब ताकतवर होते हैं, कुछ रेयर केस है, वो आपको अगली कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी को हम अच्छे से बनाएंगे और आपको समझाएंगे अगली क्लास में। फिलहाल यहाँ पे आपको टारगेट क्या करना है, कुल कितने आवर्त है, 7, कुल कितने वर्ग हैं, 18। अब कुल टोटल तत्व कितने हैं, तो अब उन तत्वों को भी हम लिख रहे हैं, कुल तत्वों को नहीं, उनकी संख्या बताएंगे कि कितने तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह सकता है, कहेगा कि पहले आवर्त में बताइए कुल कितने तत्व है, ठीक है, पहले आवर्त में कुल कितने तत्व है। तो हम देखिए एक जनरल बना ले रहे हैं रफली, ये पहला वाला आवर्त मान लीजिए, और ये कौन सा वाला है, ये दूसरा वाला है, ये कौन सा वाला है, तीसरा, ये चौथा, चलिए ये कौन सा वाला होगा, पांचवा, अभी क्या होगा, छठवा, इसके बाद क्या होगा, सातवा, 7 आवर्त हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले आवर्त में कुल कितने तत्व है। देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व है, एक इधर रहता है और एक इधर है, इधर हाइड्रोजन, इधर हीलियम, ठीक है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तीसरे में भी कितने होते हैं, 8 होते हैं,
चौथे में कितने होते हैं? 18 होते हैं। पांचवें में कितने होते हैं? इसमें भी 18 होते हैं। छठवें में कितने? 32। और सातवें में भी कितने? 32। अब देखिए बात, 18 तक तो ठीक था क्योंकि ऐसे ऐसे 18 लाइनें होती हैं, तो 18 तक तो ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर 32 तत्व कैसे होंगे, 18 ठो कालम है, कैसे 32 तत्व हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिए, 18 ठो तो इसमें भर देते हैं आप, आवर्त सारणी के नीचे ऐसे देखिएगा, दो ठो इस टाइप का बना होगा, एक लिखा होगा लैंथेनाइड, एक क्या लिखा होगा? लैंथेनाइड, लैंथेनाइड, और एक लिखा होगा एक्टेनाइड, एक्टिनाइड। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। और इसमें कितने होंगे? ध्यान दीजिए, इसमें 16 होते हैं ऐसे ऐसे, कितने होंगे? 16। अब एक बात बताइए, हम कह दे रहे हैं कि इसमें 18 तो भराएंगे ही भराएंगे, ऐसे ऐसे लाइनें हैं, और 18 में जब 16 जोड़िएगा ना, 18 में कितना? 16 14 होंगे, 18 14 जोड़ लीजिए तो 8 4 12 और 1 1 2 1 3 कितने होंगे? 32। तो इस छठवें और सातवें वाले आवर्त के जो शेष तत्व बचते हैं ना, उनको यही रखा गया है कि इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप के तत्व के रूप में, ठीक है। और ये कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं? ये ध्यान दीजिए, ये यफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक। अभी यफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये यफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो 14 इसमें है और 14 नीचे, तो कितने यफ ब्लॉक के तत्व हैं? टोटल 28, ठीक है। तो यही जो शेष रह जाता है 18 18 के बाद 14 14 जो कमी पड़ती है ना, वही नीचे है, तो इनको जोड़ते इसी में है, चूंकि क्यों? क्योंकि इसी के बीच की कटिंग यही है। तो अब देखिए, पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32, सातवें में 32। अगर सबको जोड़ा जाए, क्या किया जाए सबको? 2 हो गया, 8 हो गया, फिर से 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, जोड़िएगा ना। तो देखिए, जैसे इनको जोड़िएगा, देखिए ये 2 8 और 2 2 तो हो गए 20, आइए हो गया 30, और 30 8 38, 8 लिख दिए, 3 3 6 2 8 और 3 हाँसी लगा था, तो कितना हो गया? 11। कितने कुल तत्व हो गए? 118। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने? 118 है। तो आपसे डायरेक्ट क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा, ठीक है। पहले आवर्त में कितने हैं, दूसरे में, तीसरे में, ये आपके सामने लिख चुके हैं। तो ये जनरल बात थी जो आपसे डायरेक्ट पेपर में क्या किया जाएगा? पूछ लिया जाएगा। अब हम आपके सामने देखिए एक जनरल मतलब बना लिए है आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक वाली ये है। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। ऐसे देखिए 7 आवर्त होंगे, और ऐसे कितने वर्ग होंगे? 18 तक वर्ग होंगे। बट आपको ऐसे 1 2 3 4 5 करके नहीं दिखेगा, वहां पे फर्स्ट दिखेगा, सेकेंड दिखेगा, थर्ड दिखेगा, फोर्थ करके इस टाइप से दिखेंगे, फोर्थ ए दिखेगा, कुछ इस टाइप से ना। बट हमें बस जनरली समझाने के लिए हम आपको बस ये उदाहरण ले रहे हैं। अब देखिएगा, जो शुरुआत के 2 वर्ग होंगे, पहला और दूसरा, ये कौन से ब्लॉक के तत्व बोले जाएंगे? एस ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के? एस ब्लॉक के। खास बात इनकी क्या है? इनकी खास बात ये, यानी ये जो 2 दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। इनकी खास बात ये है कि ये हमेशा क्या करेंगे, इधर वाला +1 बनाएगा और इधर वाला +2। खास बात ये है कि ये धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं, ठीक है। अब इधर से 6 देखिए, इधर से कितना? इधर से 6, 1 2 3 4 5 और 6 यहां तक, यानी 13 से लेके कहां तक? 18 तक। ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक। अब इसमें भी हम आपको बता दें, जो 18 वाला है वो शून्य वर्ग का तत्व, बोल शून्य वर्ग का तत्व इसको बोलते हैं, यानी यही क्या है? अक्री गैस। कौन सी गैस है? अक्री गैस। खास बात क्या है? अभी जस्ट बताया, इनका बाहरी कचरा भरा रहता है और ये किसी से कोई क्रिया नहीं करती। बीच में कितना बच जाएगा सोचिए, तो हम कह रहे हैं 2 इधर से ले लिए, 6 इधर से ले लिए, टोटल है 18। तो 2 इधर से, 6 इधर से, हो गया 8, तो बीच में कितना बचेगा? 10। तो बीच के जो 10 होते हैं ना, वो डी ब्लॉक के तत्व होते। कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के। बीच के जो 10 होते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व है? डी ब्लॉक। और नीचे हम बताए थे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के तत्व है, ठीक। तो ये यफ ब्लॉक के तत्व। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा? केवल एस ब्लॉक से, और दूसरी बात शून्य वर्ग के तत्व से। और ये जो 17वां वाला है, ये हैलोजन परिवार का तत्व है,
यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हाइड्रोजन परिवार का है, ठीक है। कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेनियम। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन थी आपके सामने, किससे संबंधित? आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित। खोजकर्ता कौन थे? मोजले जी। अब आज के क्लास का आखिरी टॉपिक प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का उत्तर। अगले क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? अगले क्लास में मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में कंपैरिजन देखेंगे और बेहतरीन तरीके से चैप्टर क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पिछला प्रश्न क्या था हम लोगों का? पिछला प्रश्न ये था कि आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई ना, आरएच फैक्टर। अब ये कौन सी बला है ना, ये कौन सी बला है? तो रीसस नामक बंदर थे। कौन से नामक? रीसस नामक बंदर, ठीक है, जिनके मुंह क्या होते हैं, लाल होते हैं ना। उनके में एक एक्सपेरिमेंट किया गया किसके द्वारा? वीनर नाम के साइंटिस्ट द्वारा ना, किसके द्वारा? वीनर नाम के द्वारा। और उन्होंने उनके ब्लड ग्रुप में ध्यान दीजिए एंटीजेन में कुछ अलग टाइप देखा। कैसा? जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड है, ठीक है, और ये ए टाइप का एंटीजेन होता है और ये बी टाइप का एंटीजेन होता है, ठीक है, और इसी में उन्होंने एक इस टाइप का एंटीजेन देख लिया, किसमें? इसी रीसस नामक बंदर में। तो इसी को कहते हैं आरएच फैक्टर, इसी को क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर। और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ए बी, ए बी और क्या चीज, ओ। ये कितने ब्लड ग्रुप है? चार। अब जैसे ये रीसस फैक्टर आया यानी आरएच फैक्टर आया, ए किस में बदल गया? ए पॉजिटिव ए निगेटिव में। बी किस में बदल गया? बी पॉजिटिव बी निगेटिव में। ए बी किस में बदल गया? ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव में। ओ किस में बदल गया? ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव में। तो ओ निगेटिव क्या है? सर्वदाता रक्त समूह। ध्यान दीजिएगा, ओ निगेटिव क्या है? सर्वदाता। लड़के अक्सर कंफ्यूज होते हैं, पिछले क्लास का क्वेश्चन था। सर्वग्राही कौन है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या है? ग्राही है, सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। आरएच फैक्टर किसने ढूंढा? विनर ने, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप को किसने ढूंढा? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ध्यान दीजिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। क्या ढूंढा इन्होंने? क्या ढूंढा ब्लड ग्रुप के बारे में? ब्लड ग्रुप कार्ल लैंड स्टीनर, आरएच फैक्टर विनर ने। आरएच फैक्टर किसमें ढूंढा? रीसस नामक बंदर में। तो आज के लिए पिछले क्वेश्चन का ये आंसर था, और आज का बेहतरीन क्वेश्चन ये है आपके लिए कि हम विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? विद्युत धारा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो साथियों, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।